वॉइस विजन प्रोजेक्ट ऑफ वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं सुरक्षित खाना पकाने पर कार्यशाला चरण दूसरा क्रियात्मक खाना पकाना जो 4 नवंबर 2018 को प्रज्ञा विजन SIES कॉलेज में आयोजित किया गया था। स्वच्छता कैसे बनाए रखें? सुनिश्चित कीजिए कि आप धुले हुए बर्तन और सब्जियों का उपयोग करें। सामग्री और सामान व्यवस्थित कैसे रखें? विभिन्न मसालों को कटोरी में डालकर उसे एक प्लेट में जचा लीजिए और अन्य बर्तनों और सामग्री को उनके उपयोगिता के अनुसार रखें। सामग्री और बर्तनों को कैसे पहचानें? सामग्री को उनके टेक्सचर और खुशबू से तथा बर्तनों को उनके आकार के माध्यम से पहचाना जा सकता है। सही प्रमाण कैसे जानें? आवश्यक माप के अनुसार सामग्री खरीदें। बर्तन कितना खाली है या भरा हुआ है वो छूकर समझ सकते हैं। मेजरिंग कप स्पून इनके सहायता से आवश्यक माप ले सकते हैं। इच्छा अनुसार चुटकी का भी माप ले सकते हैं। सामग्री को कैसे धोना है? धुले हुए अनाज का पानी आप अपनी हथेली को बर्तन के किनारे रख कर निकाल सकते हैं या फिर आप छलनी का उपयोग भी कर सकते हैं। सब्जियों और फलों को कैसे काटा जा सकता है? सब्जियां, फल काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड और चाकू का उपयोग करें और बारीक या मोटा जानने के लिए अपनी उंगलियों से समझें। धनिया जैसी सामग्री को आप कैंची से काट सकते हैं। चूल्हे पर बर्तन रखने की सही जगह कैसे पहचानें? जब गैस या चूल्हा ठंडा हो तब उसे छूकर सही जगह का पता लगाइए और फिर बर्तन को ठीक से रखिए। तेल गर्म हुआ है या नहीं ये कैसे समझें? अपनी हथेली को उचित दूरी पर रखें और तेल की गर्माहट को महसूस करें। तेल गर्म है या नहीं उसका अंदाजा लगाएं। आटा गूंथने की प्रक्रिया। आटा गूंथते समय हमें आवश्यक मात्रा से कम पानी लेते हुए शुरुआत करनी चाहिए। आटे को बर्तन के चारों ओर से बीच में समेटते हुए गूंथना चालू करना चाहिए। रोटी बेलने और सेकने का तरीका। आटा एक समान न हो जाए तब तक उसे गूंथना चाहिए। एक समान होने के बाद उसे पेड़े जैसे गोले बनाएं। एक एक गोले को सूखे आटे में लपेटकर चकले और बेलन की सहायता से हल्के हाथों से बेलें। बेलते समय बीच बीच में रोटी की मोटाई की समानता को छूकर समझें और ये समानता रखने के लिए रोटी को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए बेलें। फिर रोटी को गर्म तवे पर डालकर पराठे की तरह दो तरफ से तेल लगाकर सेकें और चिमटे की सहायता से उसे पलटें। आसानी से खाना बनाने के लिए एक टिप, ताकि आपका खाना ना जले। सूखी सब्जी बिना जले पकाने के लिए धीमी आंच पर कढ़ाई को प्लेट से ढककर प्लेट पर थोड़ा पानी डाल दें। खाना पूरी तरीके से पका है या नहीं ये कैसे जाने? खाने को चम्मच की सहायता से दबाकर देखें। अगर वह नरम है तो पक गया है और कड़क है तो कच्चा है। आपका खाना तैयार है। अपने खाने को और आकर्षक बनाने के लिए बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से सजाइए। तो आइए बने हुए खाने का स्वाद लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। कॉन्टैक्ट अस एट वेबसाइट www.voicevision.in, facebook.com/voicevision.in, twitter@voicevision_in, youtube voicevision, telephone 02-2404000। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।